कुछ दिन पहले ही बीआर चोपड़ा के महाभारत के कलाकार सोनी टीवी के फेमस शो द कपिल शर्मा शो पर आए थे, लेकिन महाभारत में भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना नहीं दिखाई दिए। फिर मुकेश खन्ना ने शो पर न जाने का कारण बताया, जिसे लेकर मुकेश खन्ना और गजेंद्र चौहान के बीच जुबानी जंग चालू है और इस लड़ाई का असर अब महाभारत के बाकी एक्टर्स पर भी दिखने लगा है। एक निजी चैनल से बात करते हुए शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले एक्टर गुफी पेंटल ने अपने दिल की बात शेयर की है। साथ ही उन्होंने याद किया उन दिनों को जब महाभारत को सुपरहिट बनाने के लिए सभी किरदारों ने दिन रात मेहनत की थी। गजेंद्र चौहान और मुकेश खन्ना की लड़ाई पर बात करते हुए गुफी पेंटल ने कहा, ये दोनों लोग जो आपस में लड़ रहे हैं वे इतने भोले हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ महाभारत के किरदारों को निभाया है। वो असलियत में न तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं और न ही वो भीष्म पितामह हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात की है कि हमने जिस पवित्र ग्रंथ को बनाने में इतनी मेहनत की, इन दोनों की नादानी की वजह से उनकी पवित्रता और श्रद्धा पर कोई आँच न आए, क्योंकि पिछले 32-33 सालों से हम लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक बने हुए हैं। हमारी किसी नादानी से वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। गुफी पेंटल ने आगे कहा, मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा शो के बारे में जो भी कहा वो उनका व्यक्तिगत मत था, और अगर उस पर किसी को जवाब देने का हक था तो वो कपिल शर्मा की टीम और सोनी टीवी का था। हम लोगों में से किसी को भी मुकेश खन्ना को जवाब देने का कोई हक नहीं बनता है। मैं चाहता हूं कि मुकेश और गजेंद्र आपसी मन मुटाव को भुलाकर वापस दोस्त बने और प्यार से रहें। गोपी पेंटल पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, महाभारत के टाइम पर पहली बार इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर की पोस्ट रखी गई थी। उससे पहले इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर मिलकर ही किरदार का चयन करते थे। महाभारत के किरदारों का चयन करने के लिए मैंने करीब करीब 3500 लोगों का ऑडिशन लिया था और 9 महीने तक हम लोग ऑडिशन करते थे। इसके बाद जाकर हमने महाभारत के सारे किरदारों को फाइनल किया था। इतनी मेहनत और शिद्दत से हमने ये शो बनाया है, इसकी प्रतिष्ठा को इस तरह खराब नहीं करना चाहिए। महाभारत सीरियल के बारे में बात करते हुए गुफी पेंटल कहते हैं, सीरियल महाभारत का कास्टिंग डायरेक्टर मैं ही था। मुझे आज भी याद है जब अर्जुन के किरदार को लेकर फिरोज खान का ऑडिशन किया गया था और पहली बार मैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मुझे फिरोज खान पर पूरा भरोसा था और मुझे लगता था कि अगर पूरी दुनिया में कोई है जो अर्जुन का किरदार निभा सकता है तो वो सिर्फ फिरोज खान ही हैं। दूसरी बार मैंने मैडम जूही चावला के सामने ही फिरोज का ऑडिशन लिया था, क्योंकि उस वक्त जूही चावला ही द्रौपदी का किरदार निभाने वाली थी। तब जूही चावला के साथ बाकी सारे लोगों को भी लगा कि अर्जुन के रोल में फिरोज खान फिट बैठ सकते हैं। मुझे खुशी है कि मेरा चयन सही निकला। बॉलीवुड की ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट। अच्छा देखिए, मेरा भी ये इनके साथ मैं काफी इत्तेफाक रखता हूँ कि मैं 70 में 70s में हूँ, 70s में हूँ। अरे मामा 25 के मैं 20 का हूँ यार। अच्छा लेकिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मेरी एक्सरसाइज भीम और दुर्योधन करते हैं।